सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, उनको हम अलग अलग कर एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यह सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। वक्ता, श्रोता या जिसके विषय में बात चल रही है उसके लिए जो शब्द, जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम, मैंने, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में आते हैं तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको। अन्य पुरुष में आते हैं यह, वह, वे, उन्हें, उनको, उसे, उन, उसकी, उनसे। दूसरा हमारा आता है, दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वस्तु की निश्चित के लिए, यानी कि वस्तु की निश्चितता के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यह, वह, ये, वे। जैसे कि एग्जांपल है यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है वे तुम्हारे आदमी हैं, तो वे जो है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई और कुछ, ये हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण है कोई आया था, तो कोई से यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ फल लगे होंगे, तो कुछ जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जो किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्पष्ट करें, जैसे जो और सो। जैसे एग्जांपल है जो आया है सो जाएगा, तो जो और सो जो है यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर संबंध प्रकट कर रहे हैं। पांचवा प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे, किसने, तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि कौन आया था, तो यहाँ पर कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा है वह क्या कर रहा था, तो यहाँ पर क्या जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा प्रकार है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि स्वयं, अपने आप या आप, ये जो है हमारे निजवाचक सर्वनाम है, जो कि स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, तो यहाँ पर स्वयं जो है यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।